तो यहाँ पे देखिए, मैं सुबह लगभग 5 बजे उठ गई थी। तो मैं क्लिप 5:30 बजे से शूट कर रही हूँ। तो देखिए, अभी सूर्योदय भी उदय नहीं हुए हैं और सुबह ही मैं उठ जाती हूँ। और सुबह सुबह उठना अच्छी बात होती है, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ और मिसका सोई है। और सुबह मैं ये लाल साग लाए थे, तो वही मैं बनाऊंगी। और उसके बाद मिस को भी सोकर उठ गई, देखिए उठ गई मिस को। और उसके बाद प्याज और मर्चा, उसके बाद चाउमीन खाने के लिए मन था चिकू को, तो चाउमीन में बनाए सिंपल, कोई सब्जी वगैरह नहीं था, बस ऐसे ही। तो एक प्याज और एक मर्चा कट करके चाउमीन बना रही हूँ। तो उसको थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चटपटा खाने के लिए मन कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा तीखा करके बनाई हूँ चाउमीन। बिल्कुल अच्छी तरह से बना है। और इसमें मैं हाफ नींबू डाली हूँ, क्योंकि टोमेटो सप्ताह का लास्ट डेट था, तो सब खत्म हो गया था। तो न्यू ब्लॉग, तो कैसे आप सब, वही हो बात सब ठीक होंगे। मैं राधिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधिका की डेली लाइफ में। और सुबह के 11 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और आप सब ने देखा ही मैं चाउमीन बनाई। तो कुछ सब्जी नहीं था, फिर भी चिकू के लिए मैं चाउमीन बनाई और अभी दूंगी खाने के लिए उसको भी। निकालें प्लांट में, लो बाबू। और सब्जी में ये कोई सब्जी नहीं खाता है, ना कैप्सिकम खाएगा, ना भिंडी खाएगा, ना करेले का, कुछ कोई सब्जी नहीं खाता। बस इसको आलू पसंद है और ये इसको आलू ही अच्छा लगता है। हाय, तो इसको अभी लेस खाई है, इसलिए पूरा मुंह में लगाया ना मिकू। हाय बोलो सभी को। और इधर देखिए, इसको देखिए, जैसे मन तैसे बैठ जाता है। आप सब भी देखिए, ट्राई करिए चाउमीन, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई फ्रेंड्स को। ये नहीं कि मतलब ये डाला सब्जी डाला, कुछ नहीं, बस खट्टा के लिए, थोड़ा सा टोक के लिए बस नींबू डाल दिए हैं। मिकू भी ट्राई कर रही है ना, मिकू मिकू ट्राई कर रही है ना। आ, आ, देखे मिसको कैसे चाउमीन खा रहे हैं। तो चाउमीन खाने के बाद थोड़ा सा आधा घंटा हो गया था, तो मैं इसको दवा दे रही हूँ। तो टेबलेट पहले ही दे दी थी और बचा था सिरप, तो कल ज़्यादा ही इसका तबीयत ख़राब हो गया था और खांसते खांसते वोमिटिंग भी किया। तो शाम को गए डॉक्टर दिखा, फिर दवा लाए और फिर मैं थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट करने लगी और सो गई। और शाम को 5 बज रहे, ये क्लिप 5 बजे का है। मैं छत पे आई कपड़ा लेने, तो सुबह में जब कपड़ा डालते हुए नहीं मैं क्लिप कर पाई। और शाम को देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और आप सबको इमली का पेड़ दिखाती हूँ, देखिए कितना सारा इमली फड़ा है इसमें, आप सब देख सकते हैं कितना गुच्छे गुच्छे लगा हुआ है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप सब। और यहाँ पर मेरा एलोवेरा भी बहुत दिन हो गया था देखे हुए, तो मैं आज देख ली। तो इसमें पानी का ज़रूरत है, तो इसमें मैं पानी कल जाकर डाल दूँगी। और उसके बाद मैं छत से आ गई, छत से आने के बाद देखिए कपड़ा सब ला के रख दी हूँ। और इसको अभी तक सो रही है, तो 3 बजे से सोई थी। और उसके बाद हस्बैंड जी मार्केट गए, मार्केट से झाड़ू लाए। तो आज है धनतेरस, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। माई वर्ल्ड वाईटी फैमिली, सभी के घर माँ लक्ष्मी विराजमान हो और सभी स्वस्थ रहें। और उसके बाद झाड़ू के बाद ये माला ली हूँ, दिया लिए हैं, दो कलर का, दो किस्म का, दो डिजाइन का है, एक प्लेन है और एक डिजाइन है। तो मुझे ये वाला दिया बहुत अच्छा लग रहा था, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बाद मंदिर को सजाने के लिए ये फूल लिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ये कलर मुझे। और कपड़ा है ये भगवान जी का, इसमें और 3 माला भी ले लिए हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मूर्ति, बजरंग बली का मूर्ति लिया है, लक्ष्मी गणेश जी ले लिए हैं, क्योंकि धनतेरस को माँ लक्ष्मी गणेश जी लेना शुभ होता है। तो बस यही शॉपिंग धनतेरस का था मेरा। और तामा पीतल का बर्तन वगैरह तो नहीं लिए, हाँ स्टील का 2 थाली लिए।
बर्तन कोई लेना चाहिए तो मैं वो स्टील का थाली, और देखिए कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे लग रहे हैं लक्ष्मी गणेश जी। यहाँ पे मैं सब रख दी हूँ, तो देखिए और बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा रहा मेरा आज का ये शॉपिंग धनतेरस वाला। तो यही छोटा सा शॉपिंग किया है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप सबको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। छोटा सा बजरंग बली भी, मंगलवार के मंगलवार पूजा भी करते हैं। और उसके बाद थाली देख लीजिए, थाली कुछ इस डिजाइन से लिए हैं। ऐसा मुझे बहुत दिन से शौक था मैं लाऊंगी लाऊंगी, तो फाइनली आज ले ली थाली। और उसके बाद सब्जी लाई हूँ, तो बैंगन, टमाटर, खीरा, मरचा और बरबट्टी है, बस यही सब्जी। मेरा शॉपिंग क्या हुआ, तो मुझे झाड़ू, लक्ष्मी गणेश जी, बजरंग बली और दीप लिए हैं, और बाकी शॉपिंग कुछ कुछ बाकी है पूजा का सामान अभी, तो वो दिवाली के दिन भी आ जाएगा। और ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की है। और धनतेरस के दिन तो गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं और पीतल का बर्तन भी लेते हैं, तो मैं पीतल का बर्तन नहीं ली हूँ क्योंकि अभी कुछ पूजा मतलब तो साथ साथ में आ गया है, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम पड़ गया है, तो इसलिए मैं परचेस नहीं कर पाई गोल्ड और सिल्वर या पीतल का बर्तन। तो बस मैं दो ठो थाली ले ली हूँ। तो आई होप आप सबको आज का मेरा ब्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ न्यू जुड़े हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं आते हैं, सब कमेंट करते हैं प्यार प्यारा, उसके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।